बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर क्लास सेकंड ईयर के लिए है, आज हम पढ़ेंगे माफिया। माफिया क्या होता है? माफिया में बहुत से अल्कोहली मादे पाए जाते हैं, जिनमें दो मादे कोडीन और माफिया बतौर इलाज के इस्तेमाल किए जाते हैं। कोडीन को शदीद खांसी की सूरत में इस्तेमाल में लाया जाता है और दूसरा मादा माफिया जो टीके की शक्ल में होता है। ये टीका भी मरीज़ को शदीद दर्द से अफाका और सुकून देने के लिए लगाया जाता है। माफिया का टीका लगाने से नशा हो जाता है। माफिया के असरात, इंसानी जिस्म पर असरात, नंबर एक, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं और अपना काम सही तरह सर अंजाम नहीं देते। माफिया के इस्तेमाल से बेचैनी बढ़ जाती है और खून की कमी हो जाती है। नंबर तीन, जिस्मानी कुव्वत में कमी आना शुरू हो जाती है और जिस्म में रशिया पैदा होता है। नंबर चार, भूख कम लगती है और कब्ज़ की शिकायत रहती है। मुतासरा फर्द का खून का दबाव बढ़ जाता है और बुखार हो जाता है। नंबर छः, आँख की पतलियाँ फैल जाती हैं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। आगे इसकी है फर्स्ट एड, तिबी इमदाद माफिया की। मुतासरा फर्द को क्या करवाएं? नंबर दो, गर्म पानी में नमक मिलाकर पिलाएं। नंबर तीन, मुतासरा फ़र्द को सोने ना दिया जाए। नंबर चार, तुरश एशिया का इस्तेमाल करवाया जाए। ये थी माफिया। आज का जो लेक्चर था, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।